नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रैंक टू MS में। और मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ हमेशा BSNL और MTNL से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट, जिसमें शामिल होती है यूनियंस से जुड़ी हुई अपडेट और साथ ही BSNL और MTNL से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़पेपर्स में प्रकाशित होती है, सभी की खास जानकारी और चुनिंदा जानकारियाँ हम आपके लिए लेकर के आते हैं इस YouTube चैनल पर। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को कर दीजिए ऑल पर सेट, क्योंकि इससे आपको मिलता है नोटिफिकेशन वीडियो का तुरंत ही और आप जान पाते हैं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी डिले। के लिए सरकार ने की परिसंपत्ति बिक्री प्रक्रिया शुरू, कंसल्टेंसी फर्मों को काम पर रखा। ये है 8 जुलाई 2020 की लेटेस्ट अपडेट, जिसमें बताया जा रहा है असेट मोनेटाइजेशन के लिए। तो आपको हम बता दें कि केंद्र सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली टेलीकॉम भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL और MTNL महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की लैंड होल्डिंग असेट मोनेटाइजेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एक निश्चित पहले चरण में निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग दीपम DIPAM ने महामारी के दौरान इस तरह की विकृति की व्यवहार्यता को देखने के लिए कंसल्टेंसी फर्म CBRE JLL एंड नाइट फ्रेंक को नियुक्त किया है। सलाहकार महीने के अंत तक अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। BSNL और MTNL की परिसंपत्ति मुद्रीकरण असेट मोनेटाइजेशन अनुमानित 37,500 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री ने बैठक में इससे रिलेटेड चर्चा की थी। मुंबई दूर संचार उपकरण निर्माता ITI लिमिटेड के शेयर भारी मात्रा में सोमवार को 20% तक बढ़ गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली दूर संचार कंपनियों को 4G कनेक्टिविटी के लिए चीनी उपकरणों का उपयोग करने से रोक दिया है। तभी से यहाँ पर ITI लिमिटेड के शेयरों में भारी मात्रा में वृद्धि दिखाई दी। पेंशनर्स बेचैन और गुस्से में, BSNL के 3 लाख से अधिक पेंशन भोगी दुखी और बेचैन हैं, क्योंकि उनके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर BSNL प्रबंधन और केंद्र सरकार द्वारा देरी की जा रही है। पिछले 1.5 साल से न तो चिकित्सा प्रतिपूर्ति न ही चिकित्सा भत्ता का भुगतान किया गया है। यह है पेंशन भोगियों को चिकित्सा उपचार से वंचित करने के अलावा और कुछ नहीं है। 1/1/2017 से 15% पेंशन संशोधन का निपटारा नहीं किया गया है, हालांकि 3.5 साल खत्म हो चुके हैं। तो दोस्तों, ये तो थी BSNL और MTNL से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट, जिसमें आपने जानी असेट मोनेटाइजेशन से रिलेटेड। ITI लिमिटेड जो कि BSNL 4G में पार्टिसिपेट करने वाला है, साथ ही BSNL के BRS ऑप्टीज और पेंशनर से रिलेटेड खास अपडेट। तो थैंक यू फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो के नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन से और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।